रखा है कि उन्हें गोवा चुनाव के दौरान पैसा दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि इस बात की चेन पूरी तरीके से बनती है कि गोवा चुनाव में पैसा भेजा गया था। अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज, दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी गई है, यानी गिरफ्तारी जिन सबूतों और तथ्यों के आधार पर हुई है वो वैलिड है, वैध है, कानूनी प्रक्रिया के तहत यहां पर ये गिरफ्तारी हुई है, जिसका जिक्र बार बार अरविंद केजरीवाल के वकील यहां पर कर रहे थे कि ये गिरफ्तारी कानूनी तौर पर नहीं हुई है, गैर कानूनी तौर पर हुई है। लेकिन बहुत बड़ा झटका हाईकोर्ट की तरफ से यहां पर अरविंद केजरीवाल के लिए, फिलहाल राहत दूर दूर तक अभी कहीं नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है। साफ शब्दों में यहां पर जो मामला निकल कर सामने आया है, साफ शब्दों में जो यहां पर सुनवाई हुई है, उसके हिसाब से हाईकोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध तरीके से हुई है, गैर कानूनी तरीके से नहीं हुई है। विक्रांत, बहुत बड़ी खबर है ये, बहुत बड़ा झटका है, खासतौर से कानूनी और सियासी तौर पर। देखिए बिल्कुल, न्यूज 18 इंडिया के जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर। न्यूज 18 इंडिया पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि ईडी ने जो सबूत कोर्ट के सामने रखे हैं, ईडी ने जो गवाहों के बयान कोर्ट के सामने रखे हैं, यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के एक गोवा के उम्मीदवार का बयान सामने रखा है, इन सब चीजों से साफ होता है कि गोवा चुनाव में पैसा पहुंचा था और उस पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ था। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरीके से वैध है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। फिर से विक्रांत, फिर से, क्योंकि आप भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि जिन जिन दर्शकों ने इस वक्त न्यूज 18 इंडिया देखना अभी शुरू किया, हम चाहेंगे कि डिटेल पहुंचे वो पांच बड़ी बातें आपके जरिए जो आज हाईकोर्ट में हुई, खासतौर से इसे लेकर कि उनकी याचिका जो है खारिज कर दी गई, पांच सबसे प्रमुख बातें। देखिए सबसे पहला पॉइंट, जो सबसे बड़ी खबर नजर आती है, कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड की याचिका खारिज कर दी है, यानी कि उनकी गिरफ्तारी और उनके रिमांड को पूरी तरीके से कानूनी रूप से वैध ठहराया गया है। दूसरी बड़ी बात कि हाईकोर्ट ने यह कहा कि ईडी ने जो सबूत कोर्ट के सामने रखे, गवाहों के जो बयान कोर्ट के सामने रखे, अप्रूवर्स के जो बयान कोर्ट के सामने रखे, वो ये साबित करते हैं कि गोवा चुनाव में पैसा पहुंचा था और उसका इस्तेमाल गोवा चुनाव में हुआ था। तीसरा, कोर्ट ने साफ कर दिया कि वो राजनीतिक तौर पर किसकी किसके साथ झगड़ा चल रहा है, इस चीज पर बिल्कुल नहीं जाएगी, इस बहस में नहीं पड़ेगी। कोर्ट के अरविंद केजरीवाल के केंद्र सरकार के साथ कैसे संबंध है, ये कोर्ट के सामने चिंता का विषय नहीं है, ना ही कोर्ट इस पर बहस करेगा। कोर्ट के सामने मामला जो था वो ईडी का मामला है, ईडी और अरविंद केजरीवाल का मामला है। पांचवी बड़ी बात कि हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई उन्हें पर्याप्त मौके दिए गए, ईडी उन्हें लगातार समन कर रहा था, नवंबर से समन किए जा रहे थे, अरविंद केजरीवाल समन पर हाजिर नहीं हुए, 9 बार समन दिए गए, पर्याप्त समय था, जब वो बार बार समन किए जाने के बावजूद नहीं आए तो ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया।